इंदौर के अंदर, और ये है मसाला नेशन रेस्टोरेंट जो कि एक हाईवे का बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, इनफैक्ट सिटी का भी अच्छा रेस्टोरेंट है। ये है राव और तेजा नगर के बीच में इंदौर के अंदर। अगर आप कभी बॉम्बे से आ रहे हो और आप भोपाल की तरफ जा रहे हो तो ये इसे रास्ते में पड़ेगा, या आप कभी देवास आ रहे हो या भोपाल से आप मुंबई नासिक पुणे की तरफ भी जा रहे हो तो ये रेस्टोरेंट जरूर आएगा। तो आप जरूर खाएँ कभी भी, तो जस्ट गूगल मसाला नेशन रेस्टोरेंट इंदौर तो वो आपको यहीं पे लेकर के आएगा। चलिए देखते हैं क्या खास है इस रेस्टोरेंट के अंदर। ये तो बहुत ही अच्छी जगह है एकदम प्लीजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कभी बाईपास में निकलेंगे ना तो इतनी ग्रीनरी आपको कहीं नहीं मिलती जो कि एक बार रेस्टोरेंट के अंदर। और इतना क्लीन बेस्ट भी एनवायरमेंट है, बहुत ही सूटिंग प्लेस है, कूलिंग एनवायरमेंट है। आप अपने मूड को खराब भी लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ का जो खाना है और यहाँ की जो आबो हवा है वो आपका दिल खुश कर देती है। तो मैं आपको बताता हूँ आगे कुछ चीज़ें हैं रेस्टोरेंट के बारे में। आप देख सकते हैं ये जो बना है, जो इसका आर्किटेक्चर है वो एक बहुत ही रस्टी लुक में बनाया गया है, जो कि प्रॉपर एक एक ईंट जोड़ करके इस रेस्टोरेंट को बनाया है, जो कि इसको एक अलग फील देता है, लुक देता है बाकी दूसरे रेस्टोरेंट से। और सबसे बड़ी बात, ये रेस्टोरेंट जो है पंजाबी कुजीन सर्व करता है, यहाँ पे इटालियन कुजीन सर्व करता है। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, आपको कुछ भी खाने की इच्छा हो तो वो आपको यहाँ पे जरूर अवेलेबल हो जाएगा। कभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको इंदौर से कुछ ही दूरी पे, मतलब आप कहेंगे इंदौर के अंदर ही है ये, इंदौर से कुछ ही दूरी, यानी इंदौर के बाईपास पे आते से ही रेस्टोरेंट आ जाता है। बहुत ही फेमस हॉट स्पॉट है, यंगस्टर्स का फैमिली क्राउड है। बाहर इतना शोर है लेकिन एक चीज पता लगती है कि जब भी आप एकदम बाहर से अंदर आ जाते हैं ना तो ये जगह एकदम कूल हो जाती है, और यहाँ पे बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आती। यहाँ पे अंदर अपना ही एक माहौल क्रिएटेड है, इतने अच्छे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, एंड सबसे बड़ी बात इसके अंदर इंटीरियर सेटिंग भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ गार्डन भी है, बहुत प्यारा गार्डन है कि जिसके अंदर आप आकर के ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ ले सकते हैं। साथ ही में इतना बड़ा लॉन है तो यहाँ पे आप पार्टी भी एंजॉय कर सकते हैं, आपको कुछ छोटा मोटा गेट टुगेदर करना आप कर सकते हैं, आपको एनिवर्सरी करनी हो, आपको बर्थडे पार्टी करनी हो, कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ डेकोरेशन कराना तो आप फोन करके डेकोरेशन बुक कर सकते हैं, फोन करके अपने टेबल बुक कर सकते हैं, टेबल रिजर्वेशन अवेलेबल है, फोन रिजर्वेशन अवेलेबल है। और शाम को इंपॉर्टेंटली यहाँ पे सनसेट होता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। कभी आप डे टाइम पे आएंगे शाम को 5-6 बजे के बीच में तो यहाँ से आप सनसेट को भी फील कर सकते हैं। तो मेरे को मेरा बचपन याद आ गया, यहाँ पे झूले भी हैं बच्चों के लिए, थोड़े से टॉयज हैं, अगर आप छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं तो आप यहाँ फिसल पट्टी में झूल सकते हैं, स्लाइड ले सकते हैं, मैरी गो राउंड में झूल सकते हैं। तो बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी में से, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत मजा आता है। बच्चे आते हैं तो झूले में झूल लेते हैं और अपने मम्मी पापा उनके खाना खाते रहते हैं। तो आप अपने बच्चे को लाइए, यहाँ छोड़ दीजिए, थोड़ा बैठ के खाना खाइए, एंजॉय करिए। क्या कहना जगह का, यहाँ पे इतने अच्छे पोस्टर्स बने हुए हैं जो दीवार पे, वॉल पेंटिंग हुई नहीं, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूनिक पेंटिंग से आप चाहें तो यहाँ पे सेल्फी का लुक उठा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप आए अपने ग्रुप के साथ फोटोज ले सकते हैं, ये इतना अच्छा बना हुआ है कि आपको फोटो जाने, मतलब फोटो की तो बहुत मजा आने वाले हैं, आप आकर के फोटो खिंचवाइए, एंजॉय करिए, तो फोटोज आप अच्छे से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो किचन जो मैं देख पा रहा हूँ ना, टोटल लाइव किचन है, यहाँ पे किस तरीके से खाना बनता है, कैसे खाना बनता है, सब लाइव है, आपको कुछ छुपाया नहीं जाता, सब कुछ सामने बनता है। तो आप किचन लाइव में खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए किचन में देखते हैं क्या बनता है यहाँ। तो अभी हम आ गए इस मसाला नेशन रेस्टोरेंट इंदौर की किचन के अंदर, और मैं किचन में देख पा रहा हूँ शेफ लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तंदूर में देखता हूँ, तो जो तंदूर है अभी जल रहा है, तो शेफ बता सकते हैं यहाँ पे सबसे अच्छा क्या मिलता है तंदूर से? यहाँ पे सबसे अच्छा कुलचा मिलता है, मैंने जैसे सुना था कि सबसे अच्छे कुलचे के लिए फेमस है छोले कुलचे के लिए जगह, तो शेफ कैसे बनाते हैं कुलचे? मतलब ये बहुत मेहनत की बात है कि 15 बार एक कुलचे की फोल्डिंग करते हैं तब जाकर के कुलचा, मतलब अगर आप यहाँ पे कुलचा खा रहे हैं तो पीछे उसके शेफ की 2 घंटे की मेहनत होती है। चलिए और पूछते हैं आगे क्या यहाँ पे बनता है, जो रेंज है वहाँ पे बना हुआ है, क्या बना रहे शेफ आप? आप क्या क्या अच्छा बनता है शेफ? क्या दाल मखनी पे क्या क्या स्पेशल है आपके दाल मखनी? तो ये एकदम नई बात सुनने में आई है कि मसाला नेशन रेस्टोरेंट के अंदर दाल मखनी रात भर पकती है तब अगले दिन आपको मिलती है। मतलब अगर आप आज संडे के दिन जैसे आप खाना खाने आ रहे हैं तो पूरी शनिवार की रात दाल मखनी पकी होगी तब जाके आपको संडे को मिलेगी। ये बहुत स्ट्रेंज है। चलिए और कभी हम यहाँ का खाना भी खाएंगे और आपको बताएंगे कैसा खाना है यहाँ का। तो जी खाना भी मुझे लग रहा है आने वाला है,
और सबसे पहले देखते हैं क्या आया है। तो अभी आने वाला है, वाओ ठीक है, इतना बड़ा ग्रैंड कुलचा, ये देखिए इतना बड़ा कुलचा आया है। ये तो मेरी अकेले तो मैं खा भी नहीं सकता, इतना बड़ा कुलचा है और दिख रहा है इतना अच्छा टेक्सचर, देखिए इतना क्रिस्पी है और बहुत ही टेस्टी, और बटर बटर बहुत अच्छे से लगा हुआ है। तो आप सालनेशन आके सबसे पहले जो चीज़ खाने की होती है ना कुलचा, तो कुलचा आप आए सबसे पहले खाएं। आप जम्बो कुलचा खा सकते हैं, रेगुलर कुलचा खा सकते हैं, और जैसे कि शेफ ने बताया है एक कुलचा बनाने के लिए 2 घंटे की मेहनत होती है, वो 15 बार इसको फोल्ड करते हैं तब जा करके कुलचा बनता है। तो मुझे लगता है कुछ खाने के लिए और भी आ गए हैं। तो ये आई है रात भर पकी हुई दाल मखनी और कुलचे के साथ खाने वाले छोले। तो सबसे पहली बात तो मैं दाल मखनी आपको खा करके बताता हूँ, बात ये अलग है, ऐसी दाल मखनी मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि आपको इस दौर में तो कहीं नहीं मिली, और ऐसी दाल मखनी सिर्फ आपको मसाला नहीं मिलेगी। वो खाते खाते बजा रहा बोलने में, इतनी अच्छी दाल मखनी ना सिर्फ आपको मसाला नेशन में मिलेगी जो कि रात भर पकी हुई है, इतना बड़ा कुलचा जो कि 2 घंटे में पकता है, मतलब 2 घंटे की मेहनत के बाद आपको मिलता है खाने को। और ये छोले तो माइंड ब्लोइंग दिख रहे हैं, ये छोला है इसके साथ इस कुलचे को खा लिया जाए जरा। डेडली कॉम्बिनेशन सर, अगर आप अमृतसर जाके कुछ देख रहे हैं और यहाँ भी खाएं तो आपको कुछ खास फर्क नहीं मिलेगा, उल्टा आपको अच्छे मिलेंगे। मैं तो नहीं फैन उस जगह का, आप कभी भी इंदौर आ जाएं तो इस जगह को जरूर एंजॉय करें। ये इसका नाम है मसाला नेशन रेस्टोरेंट, बाईपास इंदौर में है ये, तेजाजी नगर राव के बीच में, इंदौर मुंबई हाईवे के बीच में। आप आज ही आप रिमाइंडर सेट कर लें अपने मोबाइल के अंदर कि भैया मेरे को तो मसाला नेशन रेस्टोरेंट जाना है और छोले कुलचे दाल मखनी तो जरूर खा के आना है। देखो यार मैं आया था सुबह से और खाते खाते ना रात भी होगी, लाइट्स भी जल गई, इतना सारा खा लिया मैंने, मैं बता नहीं सकता आपको, इतने ही अभी छोले कुलचे दाल मखनी। और भी बहुत अच्छे टिक्का मिलते हैं यहाँ, इतना दूर से पनीर टिक्का मसाले की सब्जी बहुत अच्छी मिलती है, लजीज खाना है यहाँ का, बाकी खा सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं। और मैं तो अब जा रहा हूँ घर, क्योंकि इतना खाने के बाद तो मुझे अब से नींद आ रही है। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अलग जगह पे कुछ नया टेस्ट, कुछ नई चीज़ लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।